Hello students, I welcome all of you in Kennes Educare. Today we are learning how big, how heavy. This chapter is from your fifth mathematics NCRT, and today is our sixth number lecture. Okay. सो स्टूडेंट्स ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसका एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्टिविटी आपको यहाँ पर आंसर देना था कौन सा क्वेश्चन था वो तो आपने कुछ पोस्ट कार्ड से कुछ ऐसे पाइप बनाए थे ठीक है अलग अलग शेप में आपने पाइप बनाए थे एंड आपको आइडेंटिफाई करना था कि इनमें से किस पाइप में सबसे ज्यादा सैंड आप यहाँ पर कलेक्ट कर पाते ओके okay? मतलब किसका वॉल्यूम सबसे ज्यादा है ये आपको आइडेंटिफाई करना था आई थिंक आपने इसका आंसर अच्छे तरीके से फाइंड आउट किया होगा ओके okay? तो आइए स्टार्ट करते आज किस

तो हिमालय में है ओके करेक्ट सो यहाँ पर क्लास ट्वेल्व स्टूडेंट्स की यहाँ पर ट्रेक हुई थी गंगोत्री में ओके दे हैव टू पैक देर बैग्स फॉर सिक्स डेज एंड कीप देम लाइट ओके आपको उन, उनको क्या करा करना था सिक्स डेज के लिए उनकी बैग पैक करनी थी एंड बट उन्हें वो जो बैग है वो लाइट रखनी थी मतलब उसका वेट उनको कम रखना था ओके सो दे अल्सो हैव टू टेक थिंग्स डैट डू नॉट टेक टू मच स्पेस

द ऑनियंस एंड टोमेटोज टू मेक देम लाइट वन के जी ऑफ ऑनियन और टोमेटोज हंड्रेड ग्राम वेन द वॉटर इन साइड ड्राइज अप ओके आपने बहुत बार सुना होगा जो वेजिटेबल्स होते हैं फ्रूट्स होते हैं वो सनराइज आपको मिलते होके मार्केट okay, में वो क्या होता है देखिए जो भी यहाँ पर फ्रूट है जैसे कि हम मान के चलते यहाँ पर एक ऑनियन है ओके okay? तो ये ऑनियन है इसमें अगर uh, आपने देखा होगा जब uh, आप कट करते ऑनियन में ठीक है तो उसमें सम वाटर कंटेंट होता है ओके okay? जो भी फ्रूट वेजिटेबल वेजिटेबल्स होते हैं उनमें वाटर कंटेंट होता है ओके okay? अगर हमने वन के जी ऑनियन लिया है मार्केट से जो यहाँ पर फ्रेश है ओके okay? तो वो जो ऑनियन है हम घर uh, सन में ड्राई करते हैं या तो किसी भी ओवन में इलेक्ट्रिक ओवन में भी ड्राई किया जाता है तो अगर उसमें हम ड्राई करते तो वो वन के जी जो ऑनियन है वो हंड्रेड ग्राम तक हमें मिलता है मतलब देखिए कितने परसेंट में ये रिड्यूस हो रहा है आई बात समझ में यस तो वन के हम डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं हंड्रेड के में जब हम उसका वाटर जो है हम उसमें रिड्यूस करें उसका वाटर कंटेंट हम रिड्यूस करें और यहाँ पर गंगोत्री में जा रहे हैं तो वहां पर वाटर तो बहुत सारा अवेलेबल है तो वहां से वो फिर से वाटर में डाल के उसे वो अच्छी तरीके से कुक करके उनका फूड बना सकते हैं ठीक है उन्होंने टोमेटो ऑनियस जो भी वेजिटेबल्स करके, तो करके so, दे नीड फॉर वन डे ओके यहाँ पर उन्होंने लिस्ट दिया है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स से ये सभी जा रहे हैं और उनकी लिस्ट यहाँ पर दी है उन्हें क्या क्या लेना है ओके फॉर वन डे के लिए सो so, राइस उन्हें लिया है 100 ग्राम फ्लोर मतलब आटा लिया है 100 ग्राम ओके देन पल्सेस मतलब डाल लिया है वन थर्ड वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर ओके अभी वन थर्ड वेट ऑफ राइस

का वन थर्ड हम मान के चलते 35 फाइव ग्राम्स ओके ठीक है सो ऑयल यहाँ पर है 50 ग्राम्स देन शुगर है 50 ग्राम्स मिल्क पाउडर है 40 ग्राम 40 ओके देन उसके बाद हॉट uh, ड्रिंक्स के लिए मिल्क लगता ही आपको पता है ओके मिल्क पाउडर देखिए उन्होंने मिल्क के जगह पर उन्होंने क्या लिया मिल्क पाउडर लिया ओके देन टी है अराउंड टेन ग्राम में ओके दलिया है 40 ग्राम फॉर ब्रेकफास्ट सॉल्ट है 5 ग्राम ओके देन ड्राइड ओनियंस है 10 ग्राम एंड ड्राइड टोमेटोज है

फ्लॉवर है मतलब आटा जो है हंड्रेड हंड्रेड ग्राम लग रहा है सो हंड्रेड प्लस हंड्रेड क्या हो जाएगा हंड्रेड प्लस हंड्रेड वी गेट टू हंड्रेड ग्राम ओके अभी सिक्स डेज के लिए चाहिए तो यहां पर मल्टीप्लाई करिए सिक्स से मतलब देखिए यहाँ पर जीरो जीरो सिक्स ट्वेल्व मतलब वन के जी एंड टू हंड्रेड ग्राम ग्राम यहां पर इसे ग्राम में लिखे तो यहाँ पर हो जाएगा ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम उन्हें यहां पर लगेगा राइस एंड फ्लॉवर देन क्या है पल्सिसन थर्ड कहा है ओके okay? तो मतलब यहां पर देखिए जस्ट क्या करना है आपको 1200 उन्होंने वन थर्ड देखिए किसका कहा है वन थर्ड वेट ऑफ राइस एंड फ्लोर मतलब जो आटा है एंड जो यहाँ पर राइस है उसका वन थर्ड

आपको एक्टिविटी कैसे कंप्लीट करना है यह, कैसे आपको फिलअप करना है यस करेक्ट सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बी हाउ मच ऑफ फ्रेश टोमेटोज शुड बी ड्राइड फॉर सिक्स डेज फॉर टेन पीपल यहां पर टेन पीपल के लिए हमें यहां पर कितना यहां पर टोमेटोज ड्राई करना पड़ेगा वो आपको यहां पर बताना है ओके okay? तो देखिए उन्होंने हाउ मच फ्रेश टोमेटो कहा है ओके फ्रेश टोमेटो शुड बी ड्राइड ओके सिक्स फॉर दिक्स डे अभी उन्होंने यहां पर वन डे के लिए ड्राइज टोमेटो का यहाँ पर जो वेट दिया है हमें कितना दिया है टेन ग्राम यहां पर दिया है ओके okay? यहां पर उन्होंने क्या कहा है टेन ग्राम यहां पर है तो इसका मतलब सिक्स डे के लिए कितना लगेगा यहां पर करेक्ट तो यहां पर देखिए सो फॉर वन ग्राम ड्राई टोमेटो वी नीड टेन ग्राम फ्रेश टोमेटो और वी कैन से लाइक दैट फॉर हंड्रेड ग्राम ऑफ टोमेटो जो यहां पर ड्राई टोमेटो उसके लिए हमें यहां पर वन के जी टोमेटो की जरूरत है करेक्ट सो हेंस फॉर टेन ग्राम ड्राई टोमेटो वी नीड हाउ मच फ्रेश टोमेटो यहां पर देखिए कितना लगेगा फॉर टेन ग्राम के लिए हमें लगेगा इज इक्वल टू टेन ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय टेन इज इक्वल टू हंड्रेड ग्राम्स मतलब टेन ग्राम के लिए यहां पर हमें चाहिए हंड्रेड ग्राम्स फ्रेश टोमेटो ओके फॉर सिक्स डे क्या करना इसे मल्टीप्लाई करिए सिक्स से तो जीरो 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 मतलब सिक्स हंड्रेड ग्राम इसका आपका आंसर हो जाएगा ओके तो यहाँ पर सिक्स हंड्रेड ग्राम्स फ्रेश टोमेटो चाहिए टू ड्राइड फॉर सिक्स डेज ओके यस आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा चलो अभी नेक्स्ट चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी है व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ फूड फॉर सिक्स डेज इन ईच पर्सन बैग ओके उन्होंने क्या पूछा है व्हाट इज द टोटल वेट फॉर फूड फॉर सिक्स डेज ओके सिक्स डेज के लिए यहाँ पर कितना है हमें बताना है तो हम क्या करेंगे देखिए इन सभी का यहाँ पर एडिशन कर लेते हैं सो so, मैं आपको एक एक, -एक, -एक पर बता देता हूँ ठीक है यहाँ पर कितना कितना होगा देखिए राइस एंड फ्लोर के लिए पर हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया था वो था ट्वेल्व हंड्रेड ग्राम्स ओके देन यहाँ पर दाल थी यहाँ पर 400 हंड्रेड ग्राम्स की ठीक है चलो ड्राइड ऑनियंस थे 60 ग्राम्स यहाँ पर थे देन उसके बाद ऑयल था ऑयल थ्री ग्राम लगे बिकॉज उन्होंने देखिए फिफ्टी ग्राम्स उन्होंने ऑयल कहा था फॉर वन डे शुगर यहाँ पर सिमिलरली 300 हंड्रेड ग्राम्स यहाँ पर होगी बिकॉज वो भी 50 ग्राम्स थी यहाँ पर वन डे के लिए देन मिल्क पाउडर यहाँ पर हो जाएगा 240 फोर्टी ग्राम्स बिकॉज फोर्टी ग्राम्स यहाँ पर चाहिए फॉर वन डे करेक्ट एंड सिक्स डे के लिए यहाँ पर 240 फोर्टी हो जाएगा देन टी पाउडर यहाँ पर 60 ग्राम्स हो जाएगी बिकॉज टेन ग्राम चाहिए पर डे के लिए दलिया था यहाँ पर डलिया हमें लगेगी 240 फोर्टी ग्राम्स फॉर सिक्स डे देन आफ्टर दैट सॉल्ट है तो फाइव ग्राम था वो थर्टी ग्राम्स हमें लगेगा देन दैट ड्राई टोमेटोज़ यहाँ पर सिक्सटी ग्राम्स हो जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर टोटल वेट ग्राफ पर देखिए टोटल निकालते हैं तो जीरो 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 आ जाएगा देन यहां पर देखिए जीरो सिक्स है टेन हो गए थ्री एंड ट्वेंटी थ्री एंड सिक्स यहाँ पर ट्वेंटी नाइन हो, हो, हो जाएगा नाइन आ गया टू कैरी फॉरवर्ड देन टू प्लस टू यहाँ पर फोर फोर प्लस फोर एट एट प्लस थ्री इलेवन इलेवन प्लस थ्री फोर्टीन फोर्टीन प्लस टू एटीन 16, सो 16 यहाँ, so यहाँ पर आ जाएगा एट एंड टू कैरी फॉरवर्ड करेक्ट सो टू कैरी फॉरवर्ड यहाँ पर देखे, uh, 18 हो गया तो 1 carry forward हो जाएगा ना ठीक है सो एटीन हो गया तो यहाँ पर वन कैरी फॉरवर्ड वन प्लस वन यहाँ पर टू हो जाएगा सो वी गेट टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड नाइन्टी ग्राम पर देखिए फिर से हम यहाँ पर काउंट करते हैं देखिए टू प्लस टू यहाँ पर फोर फोर प्लस फोर यहाँ पर एट एट प्लस थ्री यहाँ पर इलेवन इलेवन प्लस थ्री यहाँ पर फोर्टीन Then 16 18, 8 आ गया, टू हो, तो हो जाएगा सो टोटल हम यहाँ पर काउंट मतलब करें तो ये अप्रोक्सिमेटली थ्री के जी okay? के नियर वन है ओके थ्री के जी के नियर वन वैल्यू है सो इवन वन ग्राम एक्स्ट्रा कैन मेक द ट्रेक टफ या देखिए गेस हाउ मेनी ऑफ अस टुगेदर वेट वन ग्राम अबाउट हंड्रेड देखिए उन्होंने क्या पूछा है यहां पर जो चीटी है वो क्या पूछ रही है यहां पर गेस हाउ मेनी ऑफ अस मतलब कितनी चीटी आपको यहां पर लगेगी टू वेट उनका वेट जो है वन ग्राम हो जाएगा ओके सो अबाउट हंड्रेड क्या हंड्रेड है गेस करिए और इसका आंसर आप यहां पर देंगे ठीक है यस yes. चलो अभी नेक्स्ट की तरफ चलते हैं सो हाउ हेवी आई एम आई ओके अभी तक हमने हाउ बिग देखा मतलब वॉल्यूम हम देख रहे थे अभी हम कौन सी बात यहाँ पर लर्न कर रहे हैं हाउ हेवी देखिए अभी हाउ हेवी एम आई डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ हाउ वेदिकास डॉटर फाउंड द वेट ऑफ एन एलिफेंट ये आपको आंसर कहां पर मिलेगा आपके जो मैथमैजिक क्लास फोर की जो बुक थी वहां पर पेज नंबर वन फोर्टी फोर्टी थ्री पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा ठीक है सो कैन यू गेज द वेट ऑफ द हेवीएस्ट एनिमल ऑन दिस अर्थ नो इट्स नॉट मी आई वेट ओनली 500 हंड्रेड के जी ये जो एलिफेंट है वो क्या कह रहा है नो no, मैं सबसे ज्यादा वेट मेरा नहीं है मेरा ओनली 5000 थाउजेंड के जी है देखिए यहाँ पर जो एलिफेंट होता है उसका 5000 थाउजेंड के और वो क्या कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा वेट मेरा नहीं है ओके okay? और एलिफेंट क्या कह रहा है ये इट इज अ ब्लू वेल ओके okay, ये सबसे ज्यादा बिगेस्ट हेवी वन है इट्स वेट इज अराउंड थर्टी फाइव टाइम्स मोर देन मी देखिए यहां पर एलिफेंट कितना छोटा लग रहा है एस कंपैरेटिवली ब्लू वेल येस तो इसका वेट कितना है थर्टी फाइव टाइम्स मोर देन उससे भी ज्यादा सो हाउ मेनी थाउजेंड केजी डज इट वेट कितना होगा इसका वेट सो so हमें क्या करना है फाइव थाउजेंड मल्टीप्लाई बाय थर्टी फाइव करना पड़ेगा ओके तो थर्टी फाइव मल्टीप्लाई पर आ जाएंगे ठीक तो है सेवनटी फाइव थाउजेंड देखिए क्या हो जाएगा वन लैक सेवनटी फाइव थाउजेंड के जी यहाँ पर टोटल वेट होता है और उससे भी ज्यादा यहां पर कहा है ओके ब्लू वेल का वेट होता है ओके सो गेस हाउ मेनी चिल्ड्रन ऑफ योर वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ इलेवेंट ऑफ फाइव थाउजेंड के जी आपके जो आपका वेट है आपका तो उससे कितने चिल्ड्रंस यहां पर हम काउंट करें तो उनका वेट यहाँ पर फाइव थाउजेंड के जी बन जाए अगर हम मान के चलते हैं आपका वेट थर्टी के जी है ओके okay? तो मान के चलो यहाँ पर थर्टी के जी है कोई बात नहीं तो थर्टी के जी हमने मान लिया तो फाइव थाउजेंड होने के लिए आपको यहाँ पर कितने चिल्ड्रंस की जरूरत है तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 5000 को डिवाइड करते 30 से इजी हमें यहाँ पर मिल जाएगा सो so, 5000 को करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड okay? 30 से ओके देखिए थर्टी वन जा थर्टी आ गया यहाँ पर 20 तो जीरो लिया ऊपर सेगेन थर्टी सिक्स जा एटीन वन एटी यहाँ पर हो गया जीरो आ गया यहाँ पर आ गया टू ऊपर से अगेन जीरो लिया तो थर्टी देखिए यहाँ पर क्या होगा ट्वेंटी आ, आ गया यहाँ पर नीचे सो पर देखिए अगेन हम सिक्स का डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर वन एटी आ जाएगा और रिमाइंडर यहाँ पर अगेन ट्वेंटी बस है मतलब अप्रोक्सिमेटी यहाँ पर 166, okay? यहाँ पर देखिए ट्वेंटी है तो हम मान के चलते हैं पर 167, okay? यहाँ पर वन सिक्सटी सेवन ओके बिकॉज ट्वेंटी यहाँ पर रिमाइंडर में है तो ये अराउंड नियरली तो थर्टी ही है मान के चलते किसी एक स्टूडेंट का वेट ट्वेंटी है ओके okay? सो so, यहाँ पर के इसका टोटल कितने स्टूडेंट चाहिए यहाँ पर 167 स्टूडेंट्स मिला के उनका वेट यहाँ पर 5000 थाउजेंड

आपने जब बर्थ लिया तो आपका वेट जो है नॉर्मली थ्री के जी होगा ठीक है मान के चलते थ्री के जी एंड बेबी एलिफेंट का कितना है नाइनटी के जी तो हमें क्या करना है यहाँ पर नाइनटी को डिवाइड करना है थ्री से तो थ्री के से डिवाइड करे थ्री थ्री, थ्री नाइन एंड जीरो अगेन जीरो जीर। मतलब थर्टी टाइम्स यहाँ पर ज्यादा है करेक्ट सो द बेबी एलिफेंट वॉज थर्टी टाइम्स हेवियर देन मी एट बर्थ ओके मतलब मी मतलब आपका ओके okay. सो so, मेरा भी थ्री के होगा थ्री केजी के के अराउंड ही होगा ना यस करेक्ट सो इफ अ ग्रोन एलिफेंट इट वन थर्टी सिक्स के जी ऑफ फूड इन डेन मंथ में कितना वो यहाँ पर खाना खाएगा उधर यहाँ पर डे में 136 जी खाता है सो so, 136 थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय थर्टी करिए ना यहाँ पर वन मंथ का हमें कैलकुलेट करना था वन थर्टी सिक्स मल्टीप्लाई बाय थर्टी करेंगे तो हमें मिल जाता है Uh, यहां पर फोर जीरो जीरो मतलब फोर थाउजेंड एटी के जी यहां पर लगेगा फोर थाउजेंड एटी के जी मंथ इन अंथ में अबाउट हाउ मच इट विल ईट इन ईयर ओके आपको गेस क्या करना है अभी वो पूरे साल में कितना खा सकता है देखिए यहाँ पर अगर ये वन मंथ के लिए अगर फोर थाउजेंड एटी यहाँ पर खा रहा है तो पूरे साल के लिए मतलब ट्वेल्थ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 48,960, 48 मतलब मतलब 50 हम पर कह सकते हैं फॉर ओके? मतलब ऐसा थोड़ी ना ये नाटी वेट करके वो खाता होगा कभी वन थर्टी सिक्स कभी वन फोर्टी कभी उससे ज्यादा अप्रोक्सीमेटली हो रहा होगा ओके तो हम अप्रोक्सिमेटली कह सकते हैं कि वो पूरे साल में 50,000 थाउजेंड वो खाना खाता है देखिए आई थिंक आपको ये सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आ चुके होंगे नेक्स्ट देखिए अभी शहीद सेव्स द बैंक ओके शहीद वर्क्स इन अ बैंक शहीद जो यहाँ पर बैंक में वर्क करता है ही सीट्स एट द कैश काउंटर वो कैश काउंटर में बैठता है वेन एवर देर आर टू मेनी कॉइन्स ही डज नॉट काउंट देम वो उसे काउंट नहीं करता ही जस्ट वेट देम वो क्या करता है उसका वेट करता है वेइंग इज सो मच इजियर द वेट ऑफ फाइव रुपी कॉइन्स यहां पर नाइन ग्राम होता है देखिये फाइव रुपी कॉइन जो है उसका नाइन ग्राम होता है सो टेल मी द वेट ऑफ द सेक एंड आई विल टेल यू द नंबर ऑफ कॉइन्स इन इट ओके okay, मतलब देखिए यहाँ पर उसका अगर वेट निकालते हैं तो हमें आसानी से यहाँ पर मिल जाएगा यहाँ कि पर कितने कॉइन्स है सो कैन यू होल्ड दिस कॉइन्स एंड से विच इज द क्या आप पर कह सकते हैं कि पर देखिए फाइव का कॉइन लीजिए एक टू रुपीज का लीजिए वन रुपीस का लीजिए तो यहां पर आप उसे हाथ में रखे आप बता सकते हैं इनमें से कौन सा हेवियर होगा yes. तो ये पर फाइव रुपीज का यहां पर ज्यादा हेवियर होगा ओके सो माई बैग ऑफ फाइव रुपी कॉइन्स वेट नाइन के जी सो हाउ मेनी कॉइंस डज इट है उसमें कितने कॉइन्स होंगे देखिए यहां पर ये यह जो शहीद है वो क्या कह रहा है वन के जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम्स करेक्ट सो नाइन के जी इज इक्वल टू नाइन थाउजेंड ग्राम्स या करेक्ट एबसुलेटली डिवाइड so the करना है नाइन से नाइन वन जा नाइन आ गया ऊपर से लिया जीरो को तो पर जीरो से आ जाएगा तो ऊपर से अगेन जीरो लिया अगेन जीरो देन यहां पर अगेन जीरो लिया तो अगेन जीरो सो so यहाँ पर रिमाइंडर जीरो मतलब आपका यहां पर 1000 कॉइंस यहां पर आ जाएंगे इन इट इज इजी करेक्ट ना कितने कॉइंस यहां पर 1000 कॉइंस है ओके okay? अगर आपको इसे अमाउंट में कन्वर्ट करने तो क्या करना है 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 करिए तो आपको यहां पर आंसर आसानी से मिल जाएगा यस करेक्ट सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉइंस आर देयर इन अ सैक ऑफ ₹5 कॉइंस इफ इट वेट्स

तो पर 18 एटीन इक्वल टू कितने ग्राम्स हो जाएंगे करेट इट इजीन थाउजेंड ग्राम्स का वेट है 9 तो हमें क्या करना है एटीन थाउजेंड डिवाइडेड बाय नाइन करना है नाइन टू सा एटीन मतलब यहां पर टू थाउजेंड आ जाएगा करेक्ट सो यहां पर टू थाउजेंड कॉइन्स यहां पर आ गए ओके सो हाउ मेनी कॉइन्स आर इन अ सैक 2000, देन 54 केजी है, ओके? Okay? मतलब ये हो जाएंगे 54,000, करेक्ट अभी नाइन हाउ मेनी टाइम्स 54 होता है क्या आपको पता है ना यस, नाइन सिक्स होता है तो यहां पर आ जाएगा सिक्स थाउजेंड ओके यहाँ पर कितना आ जाएगा उजेंड कॉइंस आ जाएंगे करेक्ट तो आपको पर डिवाइड करके देखना है को देन आफ्टर दैट देखिए फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम ओके फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड ग्राम्स आपको पता है नाइन फाइव तो मतलब इसका आंसर फाइव हंड्रेड आ जाएगा तो यहाँ पर आ गया फाइव हंड्रेड कॉइंस देन टू के जी एंड टू फिफ्टी ग्राम्स मतलब देखिए टू थाउजेंड प्लस +250 क्या होगा इसका काउंट तो 2250 ग्राम्स यहां पर हो जाएगा इसे डिवाइड करिए 9 से अगर आप इसे डिवाइड करते हो 9 से तो आपको यहां पर मिल जाता है 250 कॉइंस ओके तो यहां पर देखिए यहां पर 2 2 केजी का है एंड 250 ग्राम्स का है तो सबसे पहले 2250 मतलब तो 2250 डिवाइडेड बाय आपको करना है 9 से तो आपको यहां पर टू फिफ्टी कॉइन्स मिल जाएंगे देखिए आपको यहाँ पर आसानी से पता चल जाता है देखिए 4500 का ये हाफ है ना तो इसका भी ये हाफ हो जाएगा ना यहाँ पर करेक्ट आप यहाँ पर भी विदाउट आप कैल्कुलेशन पर आंसर लिख सकते हैं ठीक है देन आफ्टर दैट प्लस प्लस ग्राम मतलब वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव इसे करना है हमें डिवाइड नाइन से ओके सो वन वन टू फाइव को डिवाइड करते हैं नाइन से

2250 ग्राम्स में क्या हम ये वैल्यू 2000 प्लस 250 ऐसे लिख सकते हैं यस वी कैन राइट इट एज ओके एंड ऑलरेडी वी नो दैट 1 केजी इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स होता है तो so, 2000 ग्राम्स इज इक्वल टू हाउ मेनी केजी वी कैन राइट एज 2 केजी सो so, इसका मतलब इसे हम लिखेंगे 2 केजी एंड प्लस 250 ग्रामस ओके okay, इसे भी लिख सकते हैं देखिए आपको आंसर मिल जाएगा तो स्टूडेंट देखिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है okay, अगर एक कॉइन का वेट अगर सिक्स ग्राम होता है तो टू टू डबल जीरो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई करिए सिक्स है तो जीरो जीरो सिक्स ट्वेल्व वन कैरी फॉरवर्ड वन थ्री मतलब आ जाएगा थर्टीन थाउजेंड टू हंड्रेड ग्राम अभी थर्टीन थाउजेंड ये जो वैल्यू देखिए थाउजेंड प्लस टू हंड्रेड ऐसे में लिख सकता हूं ये वी कैन राइट एस थर्टीन थाउजेंड एज अ थर्टीन के जी बिकॉज वन के जी इज इक्वल टू थाउजेंड ग्राम यहां पर थाउजेंड ग्राम्स होते हैं ना करेक्ट एंड टू हंड्रेड ग्राम इसका आंसर बनेगा थर्टीन के जी 200 ग्राम्स करेक्ट नाउ फॉर 3000 थाउजेंड अभी देखिए 3000 थाउजेंड के लिए क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करिए अगेन 6 से सो so 3000 थाउजेंड मल्टीप्लाई करना है 6 से एंड वी गेट जीरो 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 सिक्स थ्री इज एटीन मतलब क्या होगा यहां पर हो जाएगा 18 के जी करेक्ट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इफ हंड्रेड वन रुपी कॉइन्स वेट 485 एटी फाइव यहां पर हंड्रेड वन रुपीज मतलब हंड्रेड कॉइन्स है उनका वेट यहां पर 485 है देन हाउ मच विल टेन थाउजेंड कॉइन्स वेट अभी टेन थाउजेंड कॉइन्स जो है उनका वेट यहाँ पर कितना होगा हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है ऑलरेडी हमें पता है देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हंड्रेड और ये टेन थाउजेंड ये कितने टाइम्स ज्यादा है क्या आप यहाँ पर बता सकते हो तो ये है हंड्रेड टाइम्स मोर इसका मतलब आपको क्या करना है फोर एटी फाइव को मल्टीप्लाई करना है हंड्रेड से तो हंड्रेड से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करना है फोर एट फाइव डबल जीरो येस करेट अभी इसका आंसर क्या होगा फोर्टी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड का तो फोर्टी एट के जी एंड फाइव हंड्रेड ग्राम्स करेट येस आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा ओके okay. तो अभी हम देखिए यहां पर एक उन्होंने यहां पर क्या कहा है विथ योर आईज क्लोज कैन यू टेल विच इज हेवियर अ हंड्रेड रुपी नोट और फिफ्टी रुपीज नोट

हंड्रेड रुपीज की कॉइन है फाइंड आउट एंड डिस्कस हम कर लेते हैं हाउ डू पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट्स एंड कॉइंस देखिये शेप ट्राइंगल रेक्टेंगल स्क्वेर सर्कल एक्सेट्रा ऑन नोट ऑफ रुपीज ट्वेंटी फिफ्टी हंड्रेड फाइव हंड्रेड एक्सेट्रा एंड फिल ओके आप उसे फील कर सकते है द पीपल हु कैन नॉट सी मेक आउट डिफरेंट नोट एंड कॉइन्स बाय रिमेंबरिंग द शेप एंड साइजेस ऑफ डिफरेंट नोट एंड कॉइन्स ओके वो क्या करते है कैसे आइडेंटिफाई करते हैं तो वो जो शेप होता है एंड उसका जो मतलब उसका जो टच है ओके सो विध देप एंड साइजेस डिफरेंट नोट शेप एंड जो साइज होते ऑन द बेिस ऑफ दैट वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं ओके सो वी लुक फॉर अ चेक इफ हंड्रेड रुपी नोट इज रियल और फेक हमें क्या करना पड़ेगा सो टू चेक इफ हंड्रेड रुपी नोट इज रियल और फेक वी शुड सी द साइज सबसे पहले हमें क्या करना है यहाँ पर साइज चेक करना है एंड क्वालिटी ऑफ पेपर वो देखना है एंड प्रिंटिंग और द स्टाइल इन विच द नंबर्स आर रिटन ऑन द नोट ओके आपको पता भी होगा कि जो हमारे रिजर्व बैंक जहां पर हमारे नोट्स बनाए जाते हैं देखिए आपका भारतीय रिजर्व बैंक यहाँ पर दिख रहा है ना उन्होंने कुछ गाइडलाइंस फॉलो किए हैं फॉर ऑल द नोट्स ओके जो भी नोट्स uh, मतलब जो हमारी करेंसी में आते हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस होती है जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है उसका साइज कितनी होती है यहाँ पर जो नंबर होता है कहाँ से स्टार्ट होता है कैसे स्टार्ट होता है और हर एक नोट में Uh, महात्मा गांधी जी होते हैं करेक्ट देन आफ्टर दैट यहाँ पर हंड्रेड रुपीज होता है यहां पर आप देखेंगे सो so मार्क यहाँ पर होता है ये बहुत सारी बातें रिजर्व बैंक ने बताई है ऑलरेडी आपको आपको क्या करना है आपका जो बेस्ट फ्रेंड है गूगल उसके पास जाना है और आपको ये सभी गाइडलाइंस वहां पर देखने की हंड्रेड रुपीज के लिए क्या क्या गाइडलाइंस है मतलब कौन कौन सी चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी टू तो आइडेंटिफाई दिस हंड्रेड रुपीज नोट इज रियल और फेक नोट 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 के के लिए, for 10 के लिए, लिए, देखिए है, उसके स्टूडेंट्स uh, यहां पर, okay, आप आप पर, yes, तो पर हमने क्या लर्न किया है हाउ बिग एंड हाउ हेवी में देखिए कैसे हमने वॉल्यूम आइडेंटिफाई किया एंड उसका वेट यहाँ पर हमने देखा मतलब जैसे कि यहाँ पर देखिए वन के जी मैंने कॉटन आपको दिया एंड वन के जी शुगर मैंने आपको दिया तो इनमें से इनका वॉल्यूम देखे वन के जी कॉटन का जो यहाँ पर वॉल्यूम है सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर 1 वन के जी शुगर से तो इसका वॉल्यूम डिपेंड नहीं होता है वेट से मतलब अगर मैंने कहा कि आपको ये दोनों भी वन वन के जी के है तो यहाँ पर आप नहीं कह सकते कि इन दोनों का वॉल्यूम भी यहाँ पर सेम है ओके okay? आई समझ में एंड आफ्टर दैट यहाँ पर हमने कुछ शेप्स भी देखे थे वहां से पाइप हमने आइडेंटिफाई किए तो उनका भी हमने आइडेंटिफाई किया कि उसका उसका वॉल्यूम कितना है वेट कितना है ओके okay? तो ये सभी बातें हमने इस चैप्टर में लर्न की ओके आई थिंक ये सभी बातें आपको समझ में आ चुके होंगे तो यहां पर आपका ये चैप्टर एंड होता है एंड थैंक यू एंड स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट फॉर यूर एग्जाम थैंक यू